नमस्कार भैया जी, अपना नाम बताएं। जी, आपने ये पान कंपनी का जो शीतल गोभी लगाया, क्या लग रहा है इसको, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में। सबसे बड़ी बात तो इसमें वजन दे गए, वजन के बाद ये व्हाइट कलर का है, मार्केटिंग अच्छी है। अच्छा, हाँ, वो ये टिकाऊ चीज़ है, टिकाऊ है। अन्य गोभियों से आपको इसमें क्या अलग लगा? इसमें रुआ तक नहीं होते, मतलब टिकाऊ है, सलीम भाई आपने भी खेत देखा, आपको कैसा लग रहा है? खेत इनका बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा, पसंद आया फूल। आप भी तो गोभी का फूल मतलब लगाते हैं, खेती करते हैं? लगाते हैं, अगली बार से हम भी यही लगाएंगे। अच्छा, ये अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में, आपको कैसा लगा? ये गोभी अच्छी है, वैसे बारिश में जो और गोभी में रुआ आ जाता है, बारिश होने की वजह से लालापन हो जाते हैं, लाल होने लगती है, ये उस गोभी से लोगों से सहनशील है। तो मतलब कुल मिला के गोभी अच्छी है। आपके एरिया में अच्छा इसका प्रदर्शन रहा है पान कंपनी का शीतल का, तो आप लोग संतुष्ट हैं और अगली साल इसको प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे? जी जी, अपने आप गांव वालों को बताएंगे? नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे, करेंगे। अच्छा, करेंगे भी। इस बार आपने कितना लगाया हुआ है? एक बीघा लगा हुआ है, और दो चार बीघा गाँव में लगा। तो सब जगह एक जैसा परफॉर्मेंस है इसका, मतलब सब जगह एक जैसा है? नहीं, अलग अलग चल रही है, मतलब आगे पीछे है आपकी? आगे पीछे है, चल रहा फिलहाल मेरे, उसके बाद दो महीने बाद फिर निकलेगी। हाँ। कुल मिला के आप मतलब वैरायटी से संतुष्ट हैं? हाँ, पान की। तो इसका नाम आपको याद रहेगा, पान का शीतल। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद जी।